الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال فرزت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ليلة أسري به خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسا ثم نودي يا محمد انه لا يبدل القول لدي وان لك بهذه الخمس خمسين او كما قال عليه الصلاه والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم मेरे मुआजे सामीन व भाइयों बुजुर्गों और बहनों असलकम वाह वरकू आज की इस मजलिस में मेराज के मौका पर प्यारे पैगम्बर वसल्लम को आप वसल्लम की उम्मत के लिए जो अजीम शान तोफ़ा रबालमीन की तरफ से दिया गया जिसको नमाज़ कहा जाता है उसका ज़िक्र किया जाएगा सल्लल्लाहु पैगम्बर वसल्लम जब अल्लाह तबारक व तै से राज के मौका पर हम कलाम हुए और अल्लाह तबारक व ताली ने प्यारे पैगम्बर अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाए कि मेरे महबूब आप मांगिए आप क्या चीज़ मांगते हैं तो अल्लाह के महबूब सल्लम ने इसके जवाब के की अंदर हजरत को जो अल्लाह तबारक व वाली की तरफ से इनाम मिले थे उन इनाम का जिक्र किया जिसका जिक्र मैं पहली एक मजलिस के अंदर आप हजरात के सामने कर चुका हूं गर्बन मेराज की सातवीं मजलिस में तो उसके जवाब में अल्लाह तबारक व तै ने प्यारे पैगम्बर वसल्लम को जो इनाम अता फ़रमाए उनका जिकर किया और फरमाए के ए मेरे महबूब वक़े तखस तो का ख़लीला मैंने आपको अपना खलील बनाया है और आपका रहमान होना एक तवरा के अंदर लिखा हुआ है अफम के व अरसल तो किलना का का फतम बशीम व नज़ीरा मेरे महबूब हमने आपको तमाम दुनिया के इंसानों के लिए बशीर और नज़ीर बना के भेजा है कि जो अहिल ईमान हैं जो आपकी इताद करने वाले हैं आप पर ईमान लाने वाले हैं आपकी बात मानने वाले हैं आप उनको जन्नत की बशारत सुनाएँ अल्लाह की रज़ामंदी और उसकी खुशनूगी की बशारत सुनाएं जन्नत की नेमतों की बशारत सुनाए वह नज़ीरा और जो लोग अल्लाह से रू गर्दानी करते हैं अल्लाह की नाफ़रमानी करते हैं आपके ऊपर ईमान नहीं लाते अपनी जिंदगियों को तब्दील नहीं करते उन्हें आप अल्लाह के गज़ब से अल्लाह के अजाब से अल्लाह के ग़ुस्से अल्लाह की जहन्नम से उन्हें डराएं व शरा तो लक सौद रखा और मेरे महबूब हमने आप के लिए आपका सीना खोल दिया वज़ातान का बिज रख और हमने आपसे आपका बोझ उतार दिया वफ़ात लक रख और आपका जिक्र हमने बुलंद कर दिया जिस तरह के शुरे इन शराह के अंदर अल्हबुल्ज़त ने इन्हीं नमतों का जिक्र किया लम न शरा लौदो रख الذي रक ظهرك ورفعنا لك ذكرك तो इन्हीं इनामत का अल्लाह तबारक व ताली ने यहाँ पर ज़िक्र फरमाया कि हमने आपके सीने को खोल दिया और आपके ऊपर जो बोझ था उस बोझ को यतीमी के बोझ को और गर्बत के बोझ को हमने हल्का कर दिया आपका जिक्र हमने बुलंद कर दिया फला फलाकर तबाई जहां मेरा जिक्र होगा मेरे महबूब आपका जिक्र भी वहीं पर होगा अगर अजान के अंदर मेरा जिक्र है अशु अल्लाह इला तो वहीं आपका जिक्र भी मौजूद तो है अशाद महमद्ला कलमे के अंदर मेरा जिक्र है ला अला तो आपका जिक्र भी मौजूद है मोहम्मद और शहादत के अंदर मेरा जिक्र है शादुअ इला तो आपका जिक्र भी मौजूद है वह अश्ना मोहम्मद नमाज के अंदर मेरा जिक्र तो आपका जिक्र भी मौजूद जहां पर मेरा जिक्र है वहां पर आपका जिक्र साथ जुड़ा हुआ है तो मैंने आपको ये इनाम फरमाया कि अपने जिक्र के साथ आपका जिक्र मिला दिया वजा अल तो का खैर उम्मत उ आपको ऐसी उम्म हम हमने अथा फरमाई जो तमाम इंसानों की भलाई के लिए जिसको वजूद बख्शा गया है जो काम पहले अंबिया उसलात से लिया जाता था आज वो काम आपकी उम्मत से लिया जाएगा जिसे सारे इंसानियत की खैर और नफर आसानी की ड्यूटी दी गई है वजाल तो उम्मत का उम्मतन वसतन और हमने आपकी उम्मत को एक उम्मत वसत बनाया मतदल उम्मत बनाया और आपको ऐसी उम्मता में वजाल तो उम्म का वो अवलीन भी है और आखरीन भी है दुनिया के अंदर आने के अतबार से सबसे आखिरी उम्मत है सबसे आखिर के अंदर आई लेकिन जन्नत के अंदर सबसे पहले आपकी उम्मत दाखिल होगी वजाल तो उम्मत का तजुज खुदब त हता अबी व रसूली आपकी उम्मत के लोग जब खुतबा देंगे तो कोई खुतबा उनका उस वक़्त तक काबिल कबूल नहीं होगा अल्लाह की वारगह के अंदर जब तक के आपकी बारे में वो इस बात की शहादत और गवाही ना दें कि आप अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं इसीलिए जब खुतबा दिया जाता है तो सबसे पहले अल्लाह की वहदानीत की गवाही और शहादत दी जाती है और फिर प्यारे अलैहि वसल्लम की रसालत की और अब्दीत की शहादत और गवाही दी जाती है अफर मैकेजाल तुम उम्मतिक अकवाब हम अनाजील हमने आपकी उम्मत के अंदर ऐसे लोगों को पैदा किया कि जिनके दिल के अंदर मेरी किताब जो है वो महफूज है इन्ना नहनजल नज़िक्रवाफिजुन अल्लाह ने इस उम्मत के अंदर और ऐसे लोग पैदा किए कि जो अल्लाह की इस किताब के शुरू से लेकर के आखिर तक वो निगरान हैं वो फ़ाज़ हैं उन्होंने अपने शीरों के अंदर अल्लाह की इस किताब को महफूज किया हुआ है कि ये शरफ और ये इम्तियाज़ अल्लाह ने प्यारे पैगमर की उम्मत को अता फ़रमाया और फरमाया वजा का अवल नबी न खलकन व आखिर हूँ बासन मेरे महबू हम ने खलक़त के एतबार से आपको सबसे पहला नबी बनाया और बेसत के एतबार से सबसे आखिर की अंदर भेजा व हम अवू और आप ही होंगे जो सबसे पहले फ़ैसला करेंगे क्या के दिन शफात के लिए अल्लाह की बारगाह के अंदर आप ही होंगे कि जो अल्लाह की बारगाह के अंदर हाजिर हो करके उम्मत का और सारी इंसानियत का हिसाब और किताब शुरू करने की दरख्वास्त करेंगे वह आते का मिनल मसानी लम ओति तिहा नबीन कबल मेरे महबूब हमने आपको सात ऐसी आयतें नसीब फरमाई हैं जिन आयतों को बार बार दोहराया जाता है और ये भी ख़ास आप के लिए इनाम है आपसे पहले किसी ने भी कोई आयतें नहीं दी गई और वो आयतें क्या है सूरह फातिहा की सात आयतें हैं कि जिनको हम हर नमाज के अंदर और हर रकात के अंदर बार बार उनको दोहराते हैं बार बार उनको पढ़ा जाता है और ये ऐसी सूरत है कि जो अल्लाह इज़्ज़त ने आपसे पहले किसी और को नहीं दी और फरमाया वाते तो कल कौसर हमने आपको ओज कोसर नसीब फरमाया कि आप ओज कोसर से अपनी उम्मत को अहले ईमान को सैराब करेंगे वातु का समानियत असुमिन और फरमाया कि हमने आपको इस्लाम के आठ हिस्से अता फरमाए और वो आठ हिस्से किया है अल इस्लाम सबसे पहले अल्लाह तबारक तआला ने इस्लाम से नवाजा वल हिजरा फिर आप जिहाद भी नमाज भी सदका भी रोजे भी रमजान मुबारक के महीने के और इसके साथ वल मारूफ बन मुनकर नेकी की तरफ लोगों को दावत देना बुराई से रोकना वजा अल तो फाति खातिमा और इस तरह हमने आपको फातह भी बनाया और खातिम भी बनाया कि हर चीज आपके जिक्र से शुरू होगी और आपके जिक्र के ऊपर खत्म होगी आप ही इब्तः करने वाले और आप ही इंतहा करने वाले इन्ही खसूसियात की बिना पर प्यारे बेगम उम्मत के सामने अपने खुतबों में ये बात इरशाद फरमाया करते थे कि मेरे परवरदिगार ने मुझे सारी इंसानियत के ऊपर फजीरत अता फरमाई और मुझे रहमत आलमीन सारे जानों के लिए रहमत बना करके भेजा वकाफत नजीरा और हमें सारी इंसानियत के लिए मुझे बशीर और नज़ीर बना करके भेजा वालकाफी वाली कल्बूरत शाहन और अल्लाह तबारक वाले ने मुझे ये खसूसियत आफरमी कि अगर मेरा दुश्मन एक महीने की मुसाफत में मुझसे दूर हो तो एक महीने की मुसाफत से वहीं पर उनके ऊपर रोब दब दबदबा कप कपी तारी हो जाती है और फिर अल्लाह ने जो मेरे ऊपर इनाम फ़रमाए उन इनामत में से एक नमत यह भी है कि वह रबालमी ने माल गनीमत को मेरे लिए हलाल कर दिया जबकि पहली उम्मतों के लिए माल गनीमत जो है वो हलाल नहीं थी बल्कि गनीमत के माल को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाता था और आसमान से आग आ, आ करके उसको जला देती थी वम तो हिल कबली मुझसे पहले किसी के लिए ये माल गनीमत हलाल नहीं थी वजाल मस्जिद अल्लाह ने सारी रोए जमीन को मेरे लिए जाए नमाज बना दिया मस्जिद बना दिया और पाकि का जरिया बना दिया जबकि पहली उम्मतों को ये चीज़ मैसर नहीं थी उन्हें मस्जिद ही के अंदर नमाज के मकाम ही के अंदर उन घरों के अंदर जा कर के नमाज अदा करनी पड़ती थी जो इबादत के लिए मखसूस थे लेकिन मेरी उम्मत का जो भी आदमी जहां नमाज का वक्त हो जाए वहीं अल्ला अकबर के करके नमाज शुरू कर दे पूरी रोए ज़मीन उसके लिए मस्जिद है और अगर उससे पानी वजू के लिए मैसर न हो तो अल्लाह ने सारी रोए ज़मीन की मट्टी को उसके लिए तहूर बना दिया है पाकि हासिल करने का ज़रिया बना दिया है कि जहां पानी मैसर नहीं है तो वो ज़मीन के ऊपर हाथ मार करके तयम कर ले और अल्लाह की इबादत शुरू कर दे वोती तो फवाती कलामी वा वाती महू व वा जवा मियाल इज़्ज़त ने कलाम की इब्तिदा कलाम की इंतहा कलाम की जामयत ये सब की सब मुझे अता फ़रमाई और फरमा वज़त उम्मती फ़लम मतबू तो अल्लाह रब्ज़त ने प्यारे पैगम्बर अलैहि वसल्लम को जो इनामात मेराज के मौके पर अता फरमाए इन इनामात का अल्लाह रबित ने जिक्र किया और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक वाली ने प्यारे पैगम्बर सल्ली वल्म के ऊपर पचास नमाज़ें जो हैं वो फ़र्ज़ फरमा दी कि आप के लिए और आपकी उम्म के ऊपर जो है दिन रात के वक़्त पचास नमाजें जो है मैंने ये तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ कर दी हैं अब प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब 50 नमाजें अल्लाह ने फ़र्ज़ फरमा दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से वापस लौटे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ नहीं पूछा कि रब्बुल आलमीन ने आपसे क्या फरमाया और क्या आपको अता किया फरमाते हैं कि जब मेरा गुजरात मूसा सलातम पर हुआ फमरत मूसा फ़कमा उ तो मूसा सलात ने मुझसे दरियाफत किया कि अल्लाह इज़्ज़त की तरफ से आपको क्या हुक्म दिया गया मैंने अर्ज किया उमिर तो बी खमसिन सलातन कुल्ला कि अल्लाह रब ने पचास नमाजों का हुक्म दिया है कि हर रोज तुम पचास नमाजें अदा किया करो तो मूसा सलात ने आगे से फरमायान उमिन के महमद आपकी उम्मत जो है रोजाना पचास नमाज अदा करने की हिम्मत कुत ताकत नहीं रखती और

इसलिए फ़र्ज अला रबी का फसल तख्फीफिक वापस अपने परवरदिगार के पास जाइए उस मक़ाम पर जाइए जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आपकी हम कलामी हुई और वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी उम्मत के लिए इन नमाज़ों के अंदर तखफीफ़ का कमी का सवाल कीजिए प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सत फरमाते हैं फराज़ा तो मैं वापस लौटा दिव असलातम की मैयत में उस मकाम पर फिर गए तो एक रवायत के अंदर है कि मैंने ऐसा जिबै सलातूलम की तरफ देखा तो जबई सलातलाम ने इसके ऊपर आमादगी का इजहार किया कि ठीक है आपको वापस लौटना चाहिए और जबई सलातम मुझे साथ लेकर के वापस गए मैंने अल्लाह तबारक वाले से लौट करके सवाल किया कि ए परवरदिगार हमारे लिए इन नमाजों के अंदर कमी पैदा फ़रमा दीजिए इसके अंदर तखफी पैदा फ़रमा दीजिए फवज़ा अन्नी अशरन अल्लाह ने दस नमाजें कम कर दी पहले पचास थी तो चालीस हो गई अब दोबारा फिर जब मैं मूसा सलाम के पास आया फ़ाल मिसलू तो मूसा सलातम ने फिर मुझसे सवाल किया कि ए मोहम्मद सल्लम बलत ने क्या फरमाया तो मैंने कहा कि अल्लाह तबारक वाला ने दस नमाजें कम कर दी तो मुसासलाम ने फरमाया कि इन उम्मतु नजालिक महमद आपकी उम्मत इनकी अदायगी की ताकत नहीं रखेगी फनीत बनी इसराइल मैंने आपसे पहले बनी इसराइल पर इसका तजर्बा किया है आप दोबारा अल्लाह रबर की तरफ़ लौटिए और उनसे तहफीफ का सवाल कीजिए फरमाते हैं कि मैं प्यारे पी लम एशात फरमाते हैं कि मैं अल्लाह रब्जत की तरफ वापस लौटा अल्लाह तबारों ने दस नमाजें और कम कर दी और तीस हो गई फिर मूसा असराम के पास आया तो मूसा तो सलात ने सवाल जवाब के बाद फरमाया कि आप फिर अल्लाह रब के पास जाइए और अपनी उम्मत के लिए तख़फीफ का सवाल कीजिए यहां तक के बार बार प्यारे पैगम्बर सल्लम हजरत मूसत के पास आते रहे और वापस जाते रहे अल्लाह तबारक वाले ने पांच नमाजें प्यारे सल्लम के ऊपर छोड़ दी और फरमाया कि ए मोहम्मद आप जाइए और दिन और रात के वक़्त में रात और दिन में चौबीस घंटे में इन पांच नमाज़ों को अदा कीजिए और फरमाया महम्मद क़ालबी का वसादई قال إنه لا يبدل القول لدي كما فرزته عليك في أم الكتاب قال فكل حسنة بعشر سالها فهي خمسون في أم الكتاب وهي خمس عليك فما أي محمد صلى الله عليه وسلم يا لبيك وسعديك فرماية ميرا بدلتا بدلتني. जो मेरे जो मेरा फरमान है उसके अंदर कोई तब्दीली पैदा नहीं होती जिस वक्त से मैंने जमीन और आसमानों को पैदा किया उस वक्त से मैंने आप पर और आपकी उम्मत के लिए पचास नमाजों को फर्ज फरमाया था और फरमाया फसना तिन बश्रम साल जो भी आप नेक अमल करेंगे उसका बदला दस गुना दिया जाएगा फैम सो नफी किताब अब भी किताब के अंदर लोहे महफूज के अंदर तुम्हारे लिए पचास नमाजें ही लिखी जाएंगी और तुम जो है पांच नमाजें अदा करो तो हर नेकी का बदला जो है वो दस गुना दिया जाए पचास नमाजों का अजर स्वाब मिलेगा जबकि तुम अदा पांच करोगे और स्वाब तुम्हारे नाम अमाल के अंदर पचास ही का लिखा जाएगा हमारी कौल के अंदर हमारी बात के अंदर तब्दीली नहीं होती प्यारे फेम इशात फरमाते हैं कि मैं वापस आया मूसा असलाम से मुलाकात हुई मूसा असलातलम तो ने पूछा कई फफा आलता कि अल्लाह रबत ने क्या हुक्म दिया तो मैंने कहा कि खफ वफ आना आताना बिल्कुल हसन आशर रबालमीन ने हमारे लिए बहुत ही सहूलत पैदा फरमाई तकफीफ़ पैदा फरमाई और हर नेकी के बदले में अल्ला तबारक ने हमारे लिए दस नेकियां अता फरमाईं हम पांच नमाजें अदा करेंगे पचास का सवाब मिलेगा मूसा सलात ने फिर अर्ज किया कि आपकी उम्मत इसकी ताकत नहीं रखेगी मैंने आपसे पहले बनी इसराइल पर इसका तजर्बा किया है लालमीन के पास जाइए फलीफ عن उनसे तखफीफ का सवाल कीजिए तो प्यारे पैगम्बर ने नेत फरमाया मूसा अदुल्ला इसताह यही तो मेरू रब भी में माँ इख्तलफ तो ए मूसा अब मुझे अपने रब से हया आती है कि मैं अपने रब़ से मज़ीद कमी का सवाल करूँ इसलिए मैं वापस नहीं जा सकता तो मूसा इसलात ने फरमाया कि ठीक है अल्लाह का नाम लीजिए और वापस लौट जाइए तो अल्लाह तबारक व तै ने प्यारे पैगम्बर सल्लम को मेराज के मौके पर पचास नमाज़ों का तोहफा था फरमाया और फिर पचास से कम करके पाँच को बाकी रखा और सवाब पचास नमाजों के बराबर ही रखा इसलिए नमाज फरमाया कि असला तो मेराजलो मिनी नमाज क्या है ये मूमन की मेराज है ये मेराज का ख़ास तोहफ़ा है जो अल्लाह तबारक व ताली ने प्यारे सल्लम की इस उम्मत को अता फरमाया इसलिए हर वो मुसलमान जो आक़िल और बालग है उसके ऊपर रात और दिन की पाँच नमाजें जो हैं वो फर्ज हैं और ये नमाज़ें मोमिन की मेराज़ हैं और ये मोमिन के लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है मराज का तोहफ़ा है इसलिए नमाजों की पाबंदी करना हर मुसलमान के ऊपर जो कि बालग है फ़र्ज़ है प्यारे लिए ने प्यार फरमाया सरमा औलादकुम अलाकम बस तलुस वज्रबू हु मालिहा आशर के जब तुम्हारे औलाद तुम्हारे बच्चे बच्ची सात साल की उम्र को पहुँच जाएं तो उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो और दस साल की हो जाए नमाज न पढ़े नमाज के अंदर सुस्ती करें गफलत करें कोताही करें तो उनको मार करके नमाज पढ़वाओ तो नमाज फराइज में से एक अहम तरीन फरीजा है इसलिए अदीस के अंदर प्यारे, 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 प्यारे ने सद फरमाया कि बई मर ए व बेई नलको फ्री तारक उमान और कुफर के दरमियानी जो सरहद है वो नमाज है जिसने नमाज तरक कर दी तो ये दरमिया सरहद निकल गई और उस आदमी के मोमिन और काफिर होने का जो दरमियान में जो इम्तियाज़ था वो इम्तियाज़ ख़त्म हो गया इसलिए नमाज किसी हाल के अंदर भी माफ नहीं है अल्लाह हमें नमाजों का अहतमाम करने की तोफ़ी अता फ़रमाए नमाज अल्लाह तबारक व ताली ने मेराज के मौके पर इस उम्मत के लिए इनाम के तौर पर अता फरमाई है तो इसलिए क़्यामत तक नमाज की, की सूरत के की की अंदर आलमीन से अहल ईमान मुनाजा करते रहेंगे नमाज के ज़रिए से अल्लाह तबारक व ताली की बारगाह के अंदर हाज़री देते रहेंगे और उसके आदाब बजा लाते रहेंगे नमाज ऐसी इबादत है कि इसके लिए ऐसी शरात रखी गई हैं कि जो दूसरी इबादत के लिए लाजम नहीं है इसके लिए वज़ू का अहतमाम करना पाक और साफ कपड़ों का अहतमाम करना जहाँ नमाज अदा की जाए उस जगह का पाक होना कबला रुख होना अदब के साथ हाथ बॉँध करके अल्लाह रब्त की बारगाह के अंदर खड़ा होना और अल्लाह के कलाम की तलावत करना अल्लाह के सामने झुक जाना रुकू करना और अल्लाह की बारगाह के अंदर अपनी जबीर न्याज को ज़मीन के ऊपर सजदे के अंदर जो है टेक देना ये वो चीज़ें हैं कि जो मजमू हैसियत से किसी दूसरी इबादत के अंदर जो है वो नहीं है किसी दूसरी इबादत के लिए ये शरात नहीं है फिर नमाज के अंदर दो हर दो रकात के बाद तशाहद अतहियातल्ला पढ़ा जाता है और तशाह के अंदर उन्हीं अल्फाज का अदा है जो शब मराज के अंदर अदा किए गए थे अल्लाह तबारक वाली ने प्यारे की इस उम्मत को एक ख़ास इनाम ये भी अता फरमाया इस मराज के मौका पर कि जो आदमी भी इस उम्मत के अंदर कोई भी नेक अमल करेगा तो कम अज़ कम उस नेक अमल का बदला उसको दस गुना अल्लाह रबले अता फरमाएंगे يعرف يغمى صلى الله عليه وسلم فرماته فلما أَزَلْ ارجي بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد انهن خمس صلوات كل يوم وليله لكل صلاه عشر فذلك خمسون صلاه ومن هم بحسنه فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرا ومن هم بسيئة فلم يعملها فلم تكتب شيئا فإن عملها كتبت سيئة واحدة فما كي ميراج رب العالمين موسى عليه الصلاة والسلام लोट लोट करके जाता रहा यहाँ तक के नमाजों के अंदर तकफीफ करते करते पांच नमाजें रह गई अल्लाह तबारक को ताला ने फरमाए मोहम्मद कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हर दिन और रात में पांच नमाजें हैं हर नमाज के लिए दस गुना अजर और सवाब है बस ये सवाब के एतबार से पचास नमाजें हैं और जो शख्स किसी भी नेक काम का इरादा करे, फिर किसी उज्र की वजह से उस नेक काम को वो नहीं कर सकेगा तो उसके लिए उस इरादे पर भी एक नेकी लिखी जाएगी और अगर उसने वो नेक काम इरादा करने के बाद कर भी लिया तो उसके लिए दस नेकियां उसके नामा आमार के अंदर लिखी जाएंगी और फर्मा जिस इंसान ने किसी बुरे काम का इरादा किया और फिर उस काम को नहीं किया तो उसके लिए कुछ भी नहीं लिखा जाएगा ये भी अल्लाह का किस कदर नाम है कि नेकी का इरादा करो तो इरादा करने पे एक नेकी और नेकी कर लो तो दस गुना उसका अजो स्वाब बुराई का इरादा करो और अगर बुराई नहीं की तो कुछ भी नहीं लिखा जाएगा कर ली तो फरमाए कि फिर सिर्फ एक ही बुराई उसके नाम अमाल के अंदर लिखी जाएगी एक ही गुना लिखा जाएगा इसी तरह एक और हदीस में प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ارشاد फरमाया يقول الله اذا اراد عبدي اياما سيئتا فلا تكتبوها عليه حتى يعملها رب العالمين फरमाते हैं कि जब मेरा बंदा किसी गुनाह का इरादा करे तो उसके नामे اعمال के अंदर उस वक्त तक वो गुनाह मत लिखो जब तक कि वो गुनाह कर न डाले फिलह फ फू हाँ भी मिसली हाँ अगर उसने वो गुनाह कर लिया वो बुराई कर ली वो बदी कर ली तो फिर उसी के मिसल लिखो यानी एक बदी की है एक गुनाह किया है तो एक ही गुनाह उसके नाम आमार के अंदर लिखो वहीं तरह कहा मिन अजली फू लहा हसन अब्बुलमीन की रहमत के कर्बान जाइए पर मैं अगर मेरा बंदा गुनाह का इरादा करने के बाद गुनाह तर्क कर देता है मेरे खौफ की वजह से मेरे डर की वजह से तो गुनाह के तर्क करने के ऊपर भी उसके नाम के अंदर उसके लिए एक नेकी लिख लो अल्लाह वही राधा या हसनतन फलम तन फलंग्यामल फूहू हसन और अगर मेरा बंदा मेरी बंदी कोई नेक ही का इरादा करें कोई नेक अमल करने का इरादा करें और अगर वो नेक अमल न कर सकें तो फिर भी उस इरादे के ऊपर उसके लिए उसके नामा आमाल मेघने की लिख दो फिलहा फ्त वो हा लहू बिया श्रियम सालिहाबिया और अगर वो नेक अमल कर भी ले तो दस गुना से लेकर के सात सौ गुना तक उसके नाम आमाल के अंदर उसका अजर स्वाब लिख लो अगर नेकी कर ली तो कम अज कम उसका अजर दस गुना और फिर उस नेकी के अंदर जितना उसका अखलास बढ़ता चला जाएगा सात सौ गुना तक उसका अजर स्वाब जो है वो जिस कदर अखलास बढ़ेगा उसी कदर स्वब भी उसका बढ़ता चला जाएगा इसलिए अल्लाह व तला ने इस उम्मत के लिए कानून बना दिए मंजा अबिलहसनती फलाहू अशरुअम साल के जो इंसान भी कोई भी नेकी करके आएगा तो उसे कम अज कम दस गुना अजर दिया जाएगा और मंजा अब सै फलाजा अमू और जो भी कोई बदी लेकर आएगा उसको बस उसके बराबर मिलेगा और लोगों पर किसी तरह नहीं किया जाएगा तो अल्लाह तबारक व ताला ने मेराज के इस मौक़ पर इस उम्मत के लिए नमाज की शक्ल के अंदर इनाम फरमाया पांच नमाजें इस उम्मत को ता फरमाईं और उसका अजर सवाब पचास नमाजों का रखा गया इस इनाम के मिलने के बाद प्यारे पैगमर सल्लाम की आसमानों से वापस सी हुई ज़मीन की तरफ जिसका जिक्र इंशाल्लाह अगली مجلس के अंदर अर्ज किया जाएगा सुभानक व बिहमदिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक व नतौब इलैक